मंगल जो कहेगा आप लोग वही सुनेंगे, सी मंगल जो दिखलाएगा आप लोग वही देखेंगे। सबसे मेरे कल में प्यारे प्यारे मेहमानों का स्वागत है। लेकिन जादूगर मंगल खाली किस्मत को नहीं मानता, मैं मेहनत को मानता हूँ, वसीले को मानता हूँ। खाना मिट्टी, सोना मिट्टी, करना भोग भोग, जब ये मिट्टी से मिट्टी मिल जाए ऊपर चले सब लोग। आज का इंसान सीधा काम पे चलता, मिट्टी के ऊपर चलता, कल मिट्टी हमारे ऊपर बोलेगी है बसेरा खंडरों। तलवार तो शिवाजी महाराज के पास थी, एक तलवार मेरे पास भी है। इस तलवार को आपके सामने दस्तौर समरा है यहाँ। अपने हौसले को गिनी,
इंसान को मत गिनने मान, अगर गिनने का इतना ही शौक है तो मैंने गिना है मैं मान, लेकिन अपने कर्म को गिना है, अपने काम को गिना है। देश को आपके सामने बड़े कर्म बड़े काम बड़े खेल बड़े कैटम बड़े पियो इसलिए नाम दिया सतयुग और शरीर को गायब करके दिखाऊंगा, खेल नहीं पियो पियो नहीं खेलता इंसान। इंसान का जिस्म क्या है, जिनमें समाया है ये जहां, खून का दायरा है लिखते है हड्डिया, जब सांसों के पाए पे खड़ी ये ख्याली इमारत, मौत के पुरजोर सामने जब इससे टकराएगी ये मिट्टी की इमारत, एक दिन खाक में या राख में मिल जाएगी। इस नजर में मन आपके सामने में बेस्ट आइटम रुक चुका जिगर तो क्या रोशनी तो रह गई, चल बसी वो जिंदगी मगर याद उनकी रह गई। कई हिस्सों में हो जाए उसे कहते हैं खेल, बाकी कोई खेल नहीं, सदा दोनों दौरा दिखलाता नहीं गया, गया हम तो लौट के भी हाथ आता नहीं। एक लाश को जला दो दफन कर दो जमीन के नीचे गाड़ दो, वो लाश क्या जिंदा बन सकती है। लाशों को हुक मारकर जिंदा करने वाले इस भारत की भूमि पर पैदा हुए थे, उनमें से हम नहीं और हम कोई किसी से कम नहीं। शुक्रिया बस यहाँ पर जिंदगानी एक छोटा सा कलाकार बड़ी और छोटी आइटम करके लेके जा रहा है, और जो भी कला और जो भी गिर यहाँ पर निर्देश करूंगा वो मैंने अमेरिका के तरफ पेश की हुई थी, मैं अपने पर निर्देश करूंगा। तो सबसे पहले कला दोनों साइड से लड़की को चला ले दिखाओ टपटपाओ फरिश्ते आते हैं, कभी कभी यारो इस जमीन में ऐसे भी फरिश्ते आते हैं जो अपना सब कुछ लुटा के इस दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। याद करेंगे से याद करें सिकंदर को, याद करें हिटलर को, याद करें नेपोलियन को, याद करें रामायणा, उसे क्या याद करते हैं जो दुनिया को लूट के गए हैं, उसे याद करते हैं जो दुनिया को कुछ दे के गए हैं। मन की भूमि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि, ये भूमि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि, उससे आगे जाइए मोहम्मद साहब पैगंबर की भूमि, उससे आगे जाइए तो जीसस की भूमि। ये हरे अवतार हुए, ये हरे अवतार आ गए इस दुनिया के अंदर, कोई धर्म के लिए कोई मजहब के लिए आए ना, मानिए मानव कल्याण के लिए आए, मानव उद्धार के लिए आए। लेकिन हम पकड़ के बैठ गए हैं, हिंदू पकड़ के बैठ गए कि राम और कृष्ण हमारे है, मुसलमान पकड़ के बैठ गए हैं कि ये मोहम्मद साहब हमारे है, क्रिश्चियन पकड़ के बैठ गए हैं कि ये जीसस हमारे है। मानिए कोई धर्म और ये मजहब के लिए नहीं आए थे, ये सभी मानव कल्याण के लिए मानव उद्धार के लिए आए थे, इसे किसी धर्म से और मजहब से मत जोड़ना। मेहमान बता कहता हूँ कि हर एक को राम को पढ़ना चाहिए, कृष्ण को पढ़ना चाहिए, मोहम्मद को पढ़ना चाहिए, जीसस को पढ़ना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या था। तमाम उसका उद्देश्य एक ही था, तो सबने बताया वो एक ही उद्देश्य था, शांति प्रेम उसका उद्देश्य था। मेहमान तो बस करने जा रहा हूँ आपके सामने एक अवतार की याद, इस जन्म आपके सामने एक अवतार की याद जिसे दुनिया कहती है जीसस, जीसस क्राइस्ट मिशनरी। दूसरे नजरअंदाज कीजिए, दिखता है आपको एक क्रॉस,
जहां कहीं भी ऐसी जीत लेके आके बराबर मिले कहता है इंसान की जात है तो जो खाली लकड़ा है जो जीव लकड़ा इसके पास जुबा होती तो कहता कि बहुत प्यारा था इस लोगों को प्यार करता था भले हुए लोगों को सच्चा और सही रास्ता दिखाता था। दुश्मन भी अगर अपने सामने आ जाए तो उसे प्यार से गले लगाता था। जालिम लोगों ने बदला क्या दिया है क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया हाथ पाँव के अंदर मेरे से खिले लगा दिए फिर भी वो हंसता था अपने मालिक से प्रार्थना करता था खून की नदियां बहती थी फिर भी मालिक से प्रार्थना करता था मालिक मुझे जो मानते हैं वो अभिमान है मारने वाले को समा बख्श करने वाला एक महान फरिश्ता उसका एक महान खेल। तीन जगह पे हमने तीन शुद्धि की रस्सी लगाई किला लगाना खून दिखाना आप लोगों के लिए बिल्कुल मना बट मैं आपको मजीद करके दिखाता हूँ यहाँ पर स्टेच्यू के खड़े जाइए दुनिया के अंदर द ड्रेन हेडपॉल
दोस्तों अभी हमारे साथ है दुनिया के मशहूर जादूगर मंगल। इन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है और उन्हें 7 से भी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो ये जादूगर भाई आपके शहर में आए और ऐसे हैरत अंगेज कारनामे दिखाए तो नीचे वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपके शहर का नाम कौन सा है। ये वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट जो शहर की रहेगी नेक्स्ट शो वहीं पे होने वाला है। और जादूगर भाई आपके शो में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। थैंक यू। आपकी कला का हम दिल से सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जो जादू की कला है वो दुनिया के हर एक कोने में पहुंचे। सो यस दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, आपको ज्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो। और ऐसे ही और देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस हमारे पेज को फॉलो करना है। पीस आउट।